एक छोटा सा कागज लेना है और उसमें कलम से रेड पेन से आपको ये मंत्र इस प्रकार से लिख देना है। मंत्र बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कागज पे आपको लिखना है, ओम नमो कामाख्याधेव्यै। अब मैं जहां रुक रहा हूं यहां पर आपको उनका नाम लिखना है, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा के पहले और ओम कामाख्या देव्यै के बाद बरेकट है, उसमें आपको उनका नाम लिख देना है और इस कागज को जला देना है, पूरा राख कर देना है और इस राख को बाद में बाहर फेंक दीजिएगा। कहीं अच्छी जगह रखिएगा, गंगा जी में या किसी पेड़ के नीचे, ताकि क्योंकि इसमें आपने बहुत अद्भुत देवी का नाम लिखा है, जिनका नाम लिखते ही काम हो जाता है। इसको एक काम और करिएगा, इस कागज में नाम लिखने के बाद थोड़ा परफ्यूम, कोई सेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हो लगा दीजिएगा, इसकी सुगंध चलनी चाहिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे उनके दिल में आपके लिए अंगार जलने लग जाएंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार पनपने लग जाएगा और वो आपके होने लग जाएंगे। ये काम आपको एक से अधिक बार भी करना पड़ सकता है, ये काम आपको बार बार करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको कुछ खर्च तो नहीं लग रहा, एक छोटा सा कागज और एक पेन की आवश्यकता है और आपके अपने घर का मोमबत्ती अगरबत्ती या जो भी कुछ जिसमें आप जला लें, है ना, कपूर में, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो इसके लिए लगना कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा और विश्वास और गुरु का आदेश और गुरु के चरणों में अनुराग और प्रेम चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में इस अव्यवस्था से आप त्वरित ठीक हो जाएंगे और आप उसे 100% प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, करते ही लाभ हो।